राधे राधे दोस्तों, और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। चलिए आज हम आपको कुछ नया दिखाते हैं जो कि हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत है माता की चौकी शादी स्पेशल। ये हम लोग रात में माता की चौकी कर रहे हैं, अपने घर के ही सभी लोग हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। ये देखिए, ये मैं डांस कर रही हूँ, ये माता रानी का भजन गा रहे थे सब लोग, तो मैंने थोड़ा सा डांस किया बस, ऐसे ही, मुझे आता नहीं है। आप लोग देखिए, अब ये मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये भजन होने लगा। ये जयकारे लग रहे माता रानी के। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं मेरे पास, जो फोटो वाली होती हैं वही रखी हुई थी, बस घर में ऐसे ही छोटा सा कर लिया था। जो शादी से पहले माता रानी को मनाया जाता है, गणपति बप्पा को मनाया जाता है, बस वही छोटा सा प्रोग्राम था। और ये सब हमारे आसपास की महिलाएं हैं। और ये जो बच्चा ढोलक बजा रहा है, ये मेरे बेटे के दोस्त का भाई है, और ये मेरा बेटा है जो अभी चश्मा लगा कर गया है। और ये जो रेड और ब्लैक में जो साड़ी है पहने हुए हैं, ये मेरी मौसी हैं, मौसी मतलब छोटी माँ। और ये जो पिंक साड़ी में पहने हुए हैं, ये हैं, ये भी मेरी मौसी ही लगती हैं। और कुछ महिलाएं पड़ोस की हैं, ये हैं मेरी मौसी जो रेड और ब्लैक साड़ी में पहने हुए हैं। दोस्तों, माता रानी की चौकी है, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करके वगैरह मत जाइएगा। माता रानी का आशीर्वाद सभी को मिलना चाहिए। मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए उठ गई थी, थोड़ा मुझको काम करना था। ये सभी महिलाएं, कुछ मेरी फ्रेंड हैं, कुछ मेरे गेस्ट हैं, कुछ मेरे पड़ोस के हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। अब आप लोग आज से मेरे बेटे की शादी के ही ब्लॉग देखेंगे। छोटी छोटी मूर्तियां हैं मेरे पास, जो फोटो वाली होती हैं वही रखी हुई थी। कोरोना की वजह से किसी बाहर से किसी को बुलाया नहीं था। ये बच्चा बहुत अच्छी ढोलक बजाता है, अभी आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा।
ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ मैं किचन में प्रसाद बना रही हूँ। ये रवे का हलवा है जो मैं बना रही हूँ माता रानी के प्रसाद के लिए। ये देखिए, ये वही वाली किचन है जो आप लोग रोज देखते हैं। ये चना है माता रानी के भोग के लिए जो मैंने प्रसाद बनाया है। ये कचौरियाँ हैं, ये पूरियाँ हैं, ये कुछ मेवा है, ये पनीर की सब्जी है। ये देखिए, ये पनीर की सब्जी है जो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। ये आलू की सब्जी है, ये गुलाब जामुन है जो मैंने सब कुछ घर पे ही बनाया था, ये रायता बनाया था, ये सब मैंने घर पर ही बनाया है। और ये सब धीरे धीरे एक एक करके आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर अब आरती होने लगी है। आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और माता रानी के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये माता रानी का जगराता आप लोगों को कैसा लगा। ये ब्लैक टी शर्ट में मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा उससे बड़ा बेटा है जो येलो कपड़े पहने हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम करने से पहले लाल रंग का जोड़ा पहना जाता है और उसके ऊपर एक चुनरी भी ओढ़ी जाती है, तो मैं आपको हर प्रोग्राम में चुनरी ज़रूर ओढ़े हुए मिलूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरे, ये भी मेरा बेटा है और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये भी माता रानी की आरती कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा बेटा है, मेरे चार बेटे हैं और सबसे बड़े बेटे की शादी का ये फंक्शन है छोटा सा। ये मेरे दूसरे नंबर का बेटा है, ये चौथे नंबर का बेटा है और वो तीसरे नंबर का जो सफ़ेद टी शर्ट में हल्की दाढ़ी वाला है, ये तीनों मेरे ही बेटे हैं। और सबसे बड़े बेटे की शादी का ये फंक्शन चल रहा है माता की चौकी। जो गणेश वंदना थी वो मैं आप सबको सुना नहीं पाई, किसी कारणवश वीडियो शूट नहीं हो पाया था। वो वंदना मैंने ही गाई थी। ये माता रानी को चुन्नी चढ़ाई थी, माला चढ़ाई थी और जो सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है जैसे चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर। ये देखिए दोस्तों, ये मैं लांगुरिया पे डांस कर रही हूँ, आता तो नहीं है बस थोड़ा सा ही ऐसे ही कर दिया। ये पीली टी शर्ट में मेरे
बेटे का फ्रेंड है और ये मेरा बेटा है सबसे छोटा। ये डांस बहुत अच्छा करता है। ये हमारे पड़ोस की एक महिला मित्र है मेरी। अभी ये भी आपको डांस करती हुई नजर आएंगी मेरे साथ।